बहुत एक्साइटेड यहाँ पे, मतलब बाहर से तो हम देखा है कि रूट पे जाने का टाइम पे ना, लेकिन बिहार का गांव का अंदर जो है इतना खूबसूरत अमेजिंग है, आज का दिन में भी सब मिलजुल के रहता है और क्या ही सही है ना भाई लोग। तो अच्छा लगा बात, मैंने एक बिस्कुट का पैकेट खरीद के दिया है, ये देखो गणपति बाबा, ऐसा करो भैया। जय श्री राम भाइयों बहनों, भाइयों बहनों, आज का वीडियो ये पेट्रोल पंप से शुरुआत करने जा रहा हूँ। सामान तमान हमें पैकिंग करना है, ट्रेन का नज़ारा कुछ इस तरीके से देखता है देखो। तो यही सूर्य देव को प्रणाम करके प्रथम पूज्य गौरी पुत्र का नाम लेके, मेरे संकट मोचन प्रभु राम का नाम लेके यहाँ से हम रवाना होने वाला हूँ। तो ये पेट्रोल पंप का बिल्कुल बगल में ये भैया का होटल है, वो हम लोग को खाना रेडी करके दिया है। तो भैया आपका नाम? सुनात्मा। अब ये अभी मतलब ये खा के आज का यात्रा शुरुआत करने जा रहा हूँ। तो ये मैं ऑलरेडी कल रात को देखा था ना, यहाँ पे एक तो है और वहाँ पे पीछे एक रहेगा, पीछे का ये जो जा रहा है ना उसके लिए, और ये जो अभी जा रहा है ना ये उसके लिए, योर स्पीड बोल के अभी कितना स्पीड पे ये गाड़ी आ रहा है तो देखा रहा है 46, और ये पीछे का 46 स्पीड पे आ रहा है तो देखा रहा है, ये बाइक कितना स्पीड पे जा रहा है 72, ये 68, समझ में आ गया ना। कैमरा लगाया हुआ है, ऑलरेडी कैप्चर होता है। तो यहाँ पे इस सब फैसिलिटी लगा के रखा है बिहार में, क्या बात। और ये साइड में देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत ही बड़ा वो रहा है वाइट कलर का घर, और वहाँ से जहाँ तक देखा ही देगा ना पूरा गन्ना का ही खेती लगा के रखा है कुछ इस तरीके से। ओ भाई और बहनों देखो, ये कहानी है वो काली है, यहाँ पे जितना भी है ना मधुमक्खी, तो देख सकता है मक्खी सब उड़ गया है, सिर्फ मधु ही बाकी रह गया है। भाई और बहनों आगे से एक हाथी आ रहा है, मुझे दिखाई दिया तो आप लोगों को भी दिखाऊंगा, इसलिए मैं दुकान पे जा रहा हूँ, कुछ बिस्कुट वगैरह पेल वगैरह मिलता है तो मैं खरीद के उसे दूंगा। वो देखो बड़ा वाला एक बिस्कुट पैकेट ले रहा हूँ मैं। तो भाइयों बहनों मैंने बड़ा सा एक बिस्कुट लिया है, वो देखो हाथी आ रहा है, हाथी का साथ जो एक ऊंट का घोड़ा, तो देखो ये देख सकते हैं गाइस, बहुत एक्साइटेड। मैंने एक बिस्कुट का पैकेट खरीद के दिया है, ये देखो गणपति बाबा, ऐसा करो भैया। तो देखो जा रहा है गणपति बाबा, पूरा इसका दांत भी इतना भरा है क्या ही बोलूं। और यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग का आसाम का जैसा ही वो पूरा सब्जी का खेती भी लगा के रखा है। भाइयों बहनों यहाँ का लोग बाथरूम लगने से ना ये जो जंगल देख रहा है ना, मतलब खेतियों में बोलता है भाई साहब एक पानी ले लो, पानी लेके जंगल खेत में बैठ जाओ। हमको ऐसा बैठने का आदत भी नहीं है, हमको बैठ के करना भी नहीं आता है, मतलब शर्म आता है। ये रूट है ना, और यहाँ का रूट का नज़ारा देख सकता है, दोनों साइड में पुल लगा के रखा है, इतना खूबसूरत से सजाया है ना, यही नहीं दूर दूर तक देख सकता है। और ये बगल में पेट्रोल पंप है, अभी पेट्रोल पंप पे जाके हम टॉयलेट वगैरह लैट्रिन वगैरह कर लेता हूँ। ओ देखो हम लोग का गाँव का जैसा ही यहाँ पे भी, ये देखो ये घर बना रहा है दादाजी, इसको आसामी इस पे केर बोलता है, देखो आराम से बना रहा है। देखो कुछ इस तरीके से बना रहा है, ये एक गांव है बिहार का, गांव का रूट कुछ इस तरीके से होता है। देखो यो बहनों ये जो पत्ता देख रहा है ना, पत्ता का कलर ग्रीन कलर होना चाहिए, लेकिन ये जो रूट है ना मतलब इतना दस्त उड़ता है गाड़ी जाने का टाइम पे, इसलिए देखो ग्रीन कलर वाला जो पत्ता है ना ये पूरा वाइट वाइट हो गया है। तो आप लोग सोच सकता है कि हम भी इसी डस्ट में जा रहा हूँ, पूरा ये पुल का पेड़ को भी देखो, ये भी पूरा एक भी ग्रीन कलर पत्ता नहीं है, सब वाइट वाइट हो गया है, और वहाँ पे आगे में केला का पत्ता। तो ऐसे में हम भी जा रहा हूँ ना, तो हम भी पूरा काला ही होगा, काला पूरा गंदगी हो गया मेरा शक्ल ही, देखो पूरा पेस को भी देख सकता है बड़ा बड़ा, क्या बोलता है हार्मोन क्या ही बोलो। मुझे अपने घर जाना है। देख सकता है यहाँ का, देख सकता है इसी रूट से हमको जाना पड़ रहा है। तो ये जो केले का पत्ता है ना, तो आप लोग केले का पत्ता को तो बहुत बार देखा होगा, ग्रीन कलर होता है, लेकिन देखो डस्ट का वजह से ये पूरा वाइट वाइट बन गया है। ये देखो सामने से आके दिखाता हूँ, ये देखो तो हमको होगा ही ना, तो आप लोग देख ही लिया मेरा हाथ को, देखो जो दान लगा के आया जैसा हो गया है। देखो
मॉर्निंग को हम खाया था खाना होटल पे, बोल के भैया जी ने बना के दिया था। अभी 3 बसने वाला है, इतना दूर से भूख लग रहा है। पहले एक होटल पे गया था, लेकिन हम लोग को रोकने के लिए बोला था कि रोकने से हम लोग का टाइम बहुत ही नुकसान हो जाता है। एक एक मिनट हम लोग के लिए बहुत ही कीमती होता है भाइयों और बहनों। और मेरा ये देख सकता है, मेरा गला में पूरा गुटी गुटी जैसा हार्मोन हो गया है पूरा, देख सकता है। धूप में बारिश में जा रहा हूँ ना, तो होगा ही, उसके लिए मैं टेंशन नहीं लेता हूँ। बस अयोध्या पहुँचना है और दिल्ली पे पहुँचना है, मोदी साहब अमित शाह को मिलना है, बस यही उम्मीद लेके जा ही रहा हूँ। भाइयों बहनों, फाइनली एक ढाबा मिल गया। ये ढाबा का नाम क्या रखा है भाइयों बहनों पता है? जिलमिल लायन होटल, तू वहाँ पे लिख के रखा है, देख सकते हैं। और यहाँ पे बहुत सारा भाई लोग सार लोग है, और दुकान भैया वो आगे पे है। तो हम लोग को खाना क्या दिया है तो आप लोग को भी दिखाता हूँ। तो कुछ इस तरीके का खाना दिया है। वो देखो सूर्यादेव जा रहा है रेस्ट करने के लिए। और ये है बिहार का एक हॉस्पिटल, 24 आवर्स खुला रहता है। और सूर्यादेव मॉर्निंग को वो भी आया था, मॉर्निंग को हम भी मॉर्निंग से स्टार्ट किया था, लेकिन वो जा रहा है रेस्ट करने। लेकिन अभी हम यात्रा ही कर रहा हूँ, पैदल यात्रा ही कर रहा हूँ, ना तो आता ना तो पता। यहाँ से 2 किलोमीटर आगे में पेट्रोल पम्प है बोल के बोला है ये भैया, तो वहाँ तक ही हमको चल के ही जाना है। ये देख सकता है हम पहुँच गए सकरिया और केसरिया, ये दोनों को यही से जाता होगा। तो वो सिग्नल दे रहा है, ये ऊपर फ्लैग लगा के रखा है संकट मोचन का। और यही उच्च थोड़ा सा आगे ये व्हाइट कलर का दिखाई दे रहा है ना, ये है यहाँ का मंदिर। ये एक गांव है, तो लेकिन भी यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा गांव होके भी बिल्डिंग ही दिखाई देगा ये। और यहाँ पे कुछ काम भाई लोग काम घर बना रहा है। यहाँ पे जो ज़मीन होता है ना, इसको ऐसे हम लोग का वहाँ का जैसा सोने नहीं देता है, कुछ ना कुछ लगा के ही रखता है। देख सकता है ये गेहूँ दान लगा के रखा है। और ये माता जी गोबर लेके जा रहा है। और यहाँ पे आलू या प्याज लगा रहा होगा एक घर। भाई दो भाई मिला, भाई आपका नाम क्या है? गोलू। ये सुनील कुमार और गोलू भाई को मिला, वो हम लोग को मंदिर तक लेके जा रहा है। और बिहार का गांव का नज़ारा कुछ इस तरीके से होता है यहाँ का घर। लुक एट द बिहार होम, ऐसा होता है बिहार का गांव गली। तो कितना ही रूट पे जाऊं तो ऐसा, इसलिए मैं यहाँ पे आज रहने आया हूँ कि ताकि आप लोगों को भी देखा पाऊँ गांव का नज़ारा कैसा होता है। सीताराम, जय श्री राम। ये मंदिर पे जा रहा हूँ, तो वो रहा मंदिर, हनुमान का मंदिर। और यहाँ पे गांव है, और ये है यहाँ का गांव का नज़ारा कुछ इस तरीके से देखता है। यहाँ पे एक बड़ा सा पेड़ है, तो देखो यहाँ का बकरा लोगों को भी कंबल जैसा लगा के रखता है। तो यहाँ का जो पंडित है मार्केट गया हुआ है, और यहाँ पे मतलब ये जो मंदिर है यहाँ पे बाथरूम वगैरह नहीं है, इसलिए हम यहाँ से जा रहा हूँ। और ये गांव का लोग हमको देखने के लिए आया है। हेलो मेरे देश की धरती, सोना उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। तो देखो ये है बिहार का भाई लोग, इतना सपोर्ट कर रहा है, हमको आइडिया दे रहा है कि आप आगे जाओ, वहाँ पे जाके रहने का जगह मिलेगा बोल के। थैंक यू भाई लोग। भाई आप लोगों का नाम क्या क्या रखा है? कुणाल कुमार, रोहित। अच्छा, और ये बच्चा लोग है बहुत ही, हेलो। अच्छा लगा यहाँ पे, मतलब बाहर से तो हम देखा है कि रूट पे जाने का टाइम पे ना, लेकिन बिहार का गांव का अंदर जो है इतना खूबसूरत अमेजिंग है, आज का दिन में भी सब मिलजुल के रहता है। और क्या ही सही है ना भाई लोग? तो अच्छा लगा बारह साथ एक ही साथ में हनुमान जी का नारा लग, आ जाओ जय श्री राम, जय श्री राम। भाई और बहनों, मैं ऐसा एक इंसान हूँ, मैं जहाँ पे भी जाता हूँ ना, मैं सभी का साथ में मिल के रह सकता हूँ। तो ये जो एक गांव है, गांव पे हम लोग अंदर गया था, तो अंदर से निकल रहा हूँ हम, ये हनुमान का मंदिर पे रहने के लिए आया था, लेकिन बाथरूम वगैरह नहीं है, इसलिए हम जा रहा हूँ रोड पे। तो गांव पे आके बच्चों से मिला, माताओं से मिला, पिताओं से मिला, तो बहुत ही आनंद मिला। ये देखो हमें रूट तक चोड़ने के लिए भी जा रहा है साइकिल लेके, रमैया बसता भैया, रमैया बसता भैया। ये देखो भाई और बहनों, बिहार का गांव का अंदर पे गया था तो इतना अच्छा लगा। और ये जो रूट है, रूट बना रहा है, इतना भीड़ भाड़ क्राउड है जाने के लिए, इतना
दिक्कत हो रहा है, तू देखो पीछे से गाड़ी आ रहा है, गाड़ी आने में ये यहाँ पे ऐसा उठना पड़ता है। देखे कब बना के कंप्लीट होगा पता नहीं, हमें वहाँ से जाना होगा शायद। बोलो गुतोए बोलो, वहाँ से जाना होगा मिडिल से। ये रूट बना रहा है ना तू, बहुत ही दिक्कत हो रहा है, तू यही से क्रॉस करके जाएगा। ये एक ओवर ब्रिज बना रहा है और ये साइड में देखे तू, ये पूरा डस्ट है, यही से हमको जाना पड़ेगा। तो देखो पूरा ये बिहार का गांव का नज़ारा है, कुछ इस तरीके से देखता है। यहाँ पे पूरा हाल मार के रखा है। तो ये भाई लोग को मिला था तो हम लोगों का साथ फोटो खींच रहा है, तो अच्छा लगा भाई। आपका नाम क्या? अच्छा लगा। मेरा मेन ये था नाम विवेक कुमार। तो भाइयों बहनों, आज हम एक पेट्रोल पंप पे हूँ जो भारत पेट्रोल पंप बोलता है। तो इतना बड़ा ये पेट्रोल पंप और यहाँ पे एक भैया रहता है और हम लोग कब ट्रेन को भी यहाँ पे फिटिंग कर लिया हूँ। ये एक स्टाफ का रूम था, अभी कोई भी नहीं रहता है, एक भैया रहता है यहाँ पे। और यहाँ का जो क्लिप, एक क्लिप अभी दिखाने के लिए कोशिश करूँगा पेट्रोल पंप का, और कल मॉर्निंग को यहाँ का व्यू पॉइंट दिखाऊंगा। अभी खाने के लिए जा रहा हूँ। Look at the petrol pump, भारत पेट्रोल पंप। Oh my God, यहाँ पे होगा पीछे वो देखो मंदिर का जैसा, ये शायद मंदिर होगा। भाइयों बहनों अभी बजा है 9:30, तो अभी हम लोग खा रहा हूँ। देखो एक होटल पे आया हूँ खाने के लिए। भाई और बहनों देखो, आपका भाई 10:30 को खाना खा के ठंड में कप कप कर कर जा रहा हूँ। तो देखो इतना मेहनत मैं कर रहा हूँ, फिर भी आप लोगों का प्यार और सपोर्ट कम ही मिल रहा है। तो रात का 10:30 में भी यहाँ पे दिन का जैसे ही गाड़ी जाता है। और हम लोग दिन भर इन सिटी का एरिया पे पहुँच गया हूँ, तो देख सकता है लाइट भी जलने लगा है रोड पे। रोड का नज़ारा 10:30 को कुछ इस तरीके से देखता है, मैं मोबाइल ही हिल रहा है, मतलब इतना कप रहा हूँ। और ये जो लाइट को देख रहा है ना, लाइट का ये साइड में धूल मिट्टी कुछ भी नहीं है, इतना रूट है, अच्छा है। यहाँ से धूल मिट्टी कहाँ से आएगा, ये पोगी है, पोगी। तो इतना तन्य है, आप लोग वीडियो देखेगा ना तब मॉर्निंग को देखेगा शायद, अभी 10:30 को ये वीडियो मैं बना रहा हूँ इतना तन में। तो भाइयों बहनों बस आप लोग से मैं प्यार मांग रहा हूँ, बस वीडियो को इतना शेयर करना कि मैं इतना तन पे मैं वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर देना, मैं बोल ही नहीं पा रहा हूँ भाई और बहनों। और ये वीडियो को यहीं पर ख़त्म करता हूँ भाई और बहनों, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम एक नया वीडियो का साथ मिलता हूँ भाई और बहनों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय आयोपोम, मिसिंग रंगाम रोय। और साइट में मेरा स्किनर और अकाउंट नंबर दिया गया है भाई और बहनों, उसमें भी आप लोग थोड़ा सा प्यार और सपोर्ट कीजिएगा। लव यू भाइयों बहनों, मैं मरने वाला हूँ इतना तन, ये मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, इतना तन लग रहा है मुझे।